तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को फुल स्क्रीन में कर लीजिए, क्योंकि ये हम पोर्ट्रेट मोड में रिकॉर्ड किए हैं, क्योंकि एक हाथ से कैमरा पकड़ के एक हाथ से बना रहे हैं। हम आज बात करते हैं डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के बारे में। ये दो शब्द तो आप लोग सुने ही होंगे। हम इन दो कॉम्प्लेक्स चीज़ों को बहुत सिंपल वे में समझाना चाहते हैं। बहुत लोगों को पता नहीं है कि एग्जैक्टली डार्क मैटर क्या होता है, क्यों इतना पॉपुलर है ये नाम, और किस हद तक हमको इसकी जानकारी है, मतलब वैज्ञानिक लोग इसको किस हद तक जानते हैं, और सेम वे डार्क एनर्जी के बारे में। तो शुरू करते हैं एकदम बेसिक तरीके से बात को समझने की। मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी चीज़ को सच में अच्छे से समझते हैं, तो अपने खुद के एग्जाम्पल के ज़रिए आप एक 9th 10th क्लास के साइंस के बच्चे को भी उस चीज़ को समझा सकते हैं। हाँ, डेफिनेटली अगर ये बात हमको मेरे दादी को समझाना हो, मेरे ग्रैंड मदर को समझाना हो, तो शायद मतलब उनका टेक्निकल बेस उतना स्ट्रांग नहीं है, उनको हम नहीं समझा पाएंगे। लेकिन मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद है कि, और हिंदी में इसलिए बना रहे हैं कि वो बच्चे जो हिंदी मीडियम से पढ़ाई करते हैं, हमारे राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार और आसपास के जो राज्य हैं जहाँ पर हिंदी मीडियम में साइंस पढ़ाया जाता है, मेरा इंटेंशन उन बच्चों को इस चीज़ मतलब उन बच्चों तक इस चीज़ को पहुँचाना है, क्योंकि टैलेंट बहुत है वहाँ पे, उस लेवल पे टैलेंट बहुत है। चीज़ें ज़्यादा जब इंग्लिश में हो जाती है ना, तो थोड़ा सा तो हम कोशिश करते हैं कि अब इस तरह की वीडियोस हम हिंदी में रखेंगे और उन बच्चों तक मेरी बात पहुंचेगी और उनको ये बात समझ में आएगी। तो जितना हम समझे हैं हम उतनी बात बताते हैं। कमेंट में आप लोग ऐसा कह सकते हैं कि सर ऐसा नहीं वैसा होता है, वैसा नहीं वैसा होता है, तो हम उस चीज़ से दूर हट रहे हैं, क्योंकि हम इस बारे में, हम इस वीडियो में सिर्फ उतनी बात कर रहे हैं, सही बात कर रहे हैं, जितना पता है उतनी की बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपको ये पता होगा, बिग बैंग का नाम सुना होगा आपने, ठीक है? तो जब बिग बैंग हुआ था, सुबह के 4:30 बजे वीडियो बना रहे हैं, मतलब बताना चाहते हैं, एकदम बताना चाहते हैं इस चीज़ को, इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो जब बिग बैंग हुआ था तो वो काइंड ऑफ ब्लास्ट था, राइट? इससे ब्लास्ट हुआ। अब आप सोच के देखिए कि जब ब्लास्ट होता है तो जो चीज़ें ब्लास्ट के बाद दूर जा रही होती हैं, 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 तो उनका स्पीड घटेगा ना टाइम के साथ, मतलब दूर जा रही हैं, जा रही हैं। जिस टाइम ब्लास्ट हुआ तो जस्ट ब्लास्ट के मोमेंट पर तो फुल एनर्जी में वो दूर जाएंगी, और फिर धीरे धीरे दूर जाते जाते उनका एनर्जी घट जाएगा, और घटते 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 एक समय ऐसा आएगा जब उनकी स्पीड बहुत कम हो जाएगी, और हम ये मान सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उनकी स्पीड रुक भी जाए, ठीक है? और साथ में जब बिग बैंग हुआ तो मैटर भी तो बनते जा रहा है ना, मतलब द्रव्यमान, मास, द्रव्य बनता जा रहा है ना। तो अब ये जो द्रव्य बनते जा रहे हैं, जो द्रव्यमान बनता जा रहा है, जो मास बनते जा रहे हैं, जो पिंड, बड़े बड़े पिंड, तारे, सितारे, ग्रह, ये लोग बनते जा रहे हैं, तो जो लोग आगे जा रहे हैं तो पीछे वाले लोग उनको खींचेंगे भी तो, ग्रेविटेशन अट्रैक्शन की वजह से, राइट? मतलब सब लोग एक दूसरे को खींचेगा भी ना। एक तो पॉइंट होगा सिंगुलरिटी पॉइंट जहाँ पे ये ब्लास्ट हुआ होगा, उसके बाद चारों तरफ जब ये लोग एकदम छितरा गए होंगे तो सब लोग खींचेंगे भी तो एक दूसरे को, तो उसी खिंचाव की वजह से इनकी स्पीड जो है कुछ कुछ देर बाद कम हो जानी चाहिए। ओके, तो अभी तक अगर आप डार्क मैटर को नहीं जानते हैं तो आपको, सॉरी, डार्क एनर्जी को नहीं जानते हैं तो आपको ऐसा ही लगता होगा कि हाँ ये सही बात है, ऐसा ही होना चाहिए कि कुछ देर बाद उनकी स्पीड कम हो जाएगी और उसके बाद फिर वो हो सकता है कि वापस भी आने लगें, राइट? और वापस से वो कोलैप्स हो जाए, मतलब सारे जितने फैले हुए हैं अभी, क्योंकि अभी हम लोगों का ब्रह्मांड फैल रहा है, ये तो आपको पता ही है। तो जब 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 कुछ और बातें नहीं बीच में फंसी थी ना, तब तक सबको यही लगता था, वैज्ञानिक लोग भी यही मानते थे कि हाँ यही प्रोसेस चल रहा है कि बिग बैंग हो गया है, अब चीज़ें बढ़ रही हैं, और फिर अब वो मतलब अट्रैक्शन की वजह से, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है वो अट्रैक्शन का फोर्स होता है, तो अट्रैक्शन की वजह से अब वो लोग मतलब उनकी स्पीड कम हो रही है, ये लॉजिक समझ में आ गया। लेकिन सच बात ये नहीं है। सच बात इसमें कहाँ पे आती है कि जब इसको मेजर किया गया, देखिए सोच एक और चीज़ है लेकिन प्रैक्टिकली क्या हो रहा है वो अलग चीज़ है। जब इसको मेजर किया गया कि यार, तो ये पाया गया कि ये जो ब्लास्ट के बाद जो चीज़ें बढ़ रही हैं ना, उनकी स्पीड कम नहीं, ज़्यादा ही होती जा रही है। हाँ, मतलब अब ये जो हमारा ब्रह्मांड है वो ऐसा नहीं कि कुछ दिन बाद जाके स्लो हो जाएगा, स्लो होके फिर रुक जाएगा और वापस कोलैप्स होगा, नहीं, अब उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। अब इसका लॉजिक तो कैसे दोगे तुम, राइट? अब इसका लॉजिक तो नहीं मिलता, तो अब इसका लॉजिक नहीं है, तो अब जो चीज नहीं पता है उसी को खोजना है। तो वो जो एनर्जी जो इस चीज को पुश कर रही है कि जाते रहो और तेज जाते रहो और तेज जाते रहो, हम लोगों को वो दिख नहीं रही है, मतलब वो डार्क है। ऐसा नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि वो अंधेरा है, डार्क यहां पे मतलब है कि वो उस स्पेस के डार्क में वो एनर्जी प्रेजेंट है,
जो कि उन चीजों को पुश कर रही है कि भाई तुम अपनी स्पीड बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो। और आप चेक कर सकते हैं कि जो हमारा यूनिवर्स है वो फैल रहा है, ये तो सही बात है आपको पता होगा, लेकिन एट द सेम टाइम उसकी स्पीड भी बढ़ रही है। तो उसका रीजन इस तरह से बताया गया कि कोई अज्ञात एनर्जी है जिसको डार्क एनर्जी कहते हैं, समझ गए? उसका काम क्या है, उसी वही जो है वो स्पीड को बढ़ा रही है। एक और बात है, हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये चीजें इस तरह से ना हो जैसा कि आज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो जब चीजें बदल जाएंगी तो इस वीडियो का महत्व नहीं रहेगा, लेकिन आज जो तथ्य लोगों को पता है वो आपके सामने हम अपनी भाषा में रख रहे हैं, ठीक है? अब बात करते हैं डार्क मैटर की। आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि जब भी कोई चीज़ सर्कुलर मोशन करती है, जैसे कि धागे से बंधा हुआ कोई पिंड है, कोई द्रव्यमान है, वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, या न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहा है, या फिर सूरज के चारों तरफ धरती मोशन कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है, मतलब रिवॉल्व कर रही है। तो इस केस में क्या होता है कि आपको ये पता है ना कि एक पर्टिकुलर अगर जैसे आपका इतना रेडियस है तो आपका एक पर्टिकुलर स्पीड होना चाहिए, उस स्पीड के लिए एक पर्टिकुलर मास होना चाहिए, तो ही आप वो ट्रैक मेंटेन कर पाएंगे, करेक्ट? जैसे अगर हम धागा नचा रहे हैं, ऐसे अगर हम धागा नचा रहे हैं और मान लीजिए कि उस पिंड का द्रव्यमान अचानक बढ़ जाए तो धागा टूट के चला जाएगा, करेक्ट? या फिर हम धागा नचा रहे हैं उसकी गति कम कर देते, धागा गिर जाएगा, वो कंप्लीट सर्कल नहीं करेगा, ठीक है? तो मतलब यहाँ पे ये बता रही है कि अगर आपकी स्पीड का कैलकुलेशन आप जब नाप रहे हैं, जैसे अब हुआ क्या ना, मेन मुद्दे पे आते हैं कि जो कुछ गैलेक्सी जो स्पायरल मोशन करती हैं, स्पायरल मोशन करती हैं, अब जैसे हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी है, ठीक है? तो मिल्की वे गैलेक्सी आपको चित्र में देखे होंगे आप कई बार गूगल करके, ये स्पायरल टाइप की दिखती है, ठीक है? कुछ गैलेक्सी होती है जो इलिप्टिकल शेप की होती है, लेकिन जो हमारी है मिल्की वे वो स्पायरल टाइप की है, ठीक है? और उसमें चार आर्म है, शायद चार भुजाएं हैं उसमें ऐसे ऐसे स्पायरल में, ठीक है? तो अब जितनी गैलेक्सीज हैं वो स्पायरल मोशन करती, मतलब सॉरी स्पायरल मोशन नहीं, ऐसे सर्कुलर मोशन करती हैं। तो जब वो सर्कुलर मोशन कर रही हैं तो उनकी एक पर्टिकुलर स्पीड होगी। तो स्पीड जब नापा गया तो फिर ये पाया गया कि यार द्रव्यमान जो उसका है, देखिए अब उस टेक्निक को हम नहीं बात करेंगे कि द्रव्यमान नापा कैसे गया। मान लीजिए कि हमको द्रव्यमान किसी गणित से पता चल गया, ग्रेविटेशन वेविटेशन कुछ भी कॉन्सेप्ट लगा करके हम लोग एक पर्टिकुलर गैलेक्सी का द्रव्यमान निकाल लिए, तो उस द्रव्यमान के मुताबिक उसका रेडियस वगैरह सब निकाल लिए, दूरी निकाल लिए, तो हम लोगों को ये लगना चाहिए कि यार इसकी गति इतनी होनी चाहिए, मतलब इसका जो सर्कुलर मोशन है वो इतनी स्पीड से होना चाहिए। एक पर्टिकुलर द्रव्यमान जो हम लोगों को नापा था, जो दिखा था, हम लोग जो किए थे उस द्रव्यमान के मुताबिक इसकी स्पीड इतनी होनी चाहिए, लेकिन इसकी स्पीड इतनी नहीं, इससे ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल एक केस कर लेते हैं कि यार जो स्पीड हम लोगों को समझ में आ रही थी सर्कुलर मोशन वाली, वो स्पीड एक पर्टिकुलर द्रव्यमान जो हम नापे हैं उस द्रव्यमान पर इतनी नहीं होनी चाहिए थी जितनी कि रियल में है, रियल में वो स्पीड कुछ और थी। तो इसका ये मतलब हुआ कि वहां पर कुछ मास ऐसा है जो मास ल्यूमिनस या फिर नॉन ल्यूमिनस नहीं है, मतलब वो स्टार या कोई और प्लैनेट नहीं है। ल्यूमिनस का मतलब जो ग्लो कर रहा हो जैसे तारे, और नॉन ल्यूमिनस मतलब जिसके पास खुद का प्रकाश नहीं है जैसे धरती, ठीक है? तो स्टार्स या प्लैनेट्स अगर वहां पे होते वो तो हम लोग पहले ही अपने गणित से नाप लिए होते कि हाँ वहां पे मास इतना नहीं इतना है। हम जिस मास को नापे थे और जिस रेडियस और जिस डायमेंशन को हम नापे थे उसके हिसाब से तो ये सर्कुलर स्पीड इतनी होनी चाहिए थी, लेकिन रियल लाइफ में वो स्पीड इतनी नहीं इतनी पाई गई। तो अगर वो स्पीड ज़्यादा है, मतलब वो स्पीड वो नहीं है जो हम नापे, तो इसका मतलब वहाँ पर मास का लफड़ा निश्चित तौर पे है। तो वो मास फिर से उसी अंधेरी खाई में मिला हमको, मतलब उसी स्पेस में मिला हमको, तो इसीलिए उस मास को कहा गया डार्क मैटर। तो डार्क एनर्जी भी क्लियर हो गया और डार्क मैटर भी क्लियर हो गया, लेकिन डार्क मैटर एग्जैक्टली क्या है ना ये नहीं पता आपको। इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, इस बारे में सब कुछ पता है, लेकिन डार्क मैटर और डार्क एनर्जी नहीं पता, ठीक है? तो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि हाँ ये हैं, लेकिन अभी ये अननोन है, इनके विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं है। हो सकता है ये वीडियो मतलब कुछ साल बाद जब कोई देखे तो उसको लगे कि हाँ एक टाइम में ये सिचुएशन था कि लोगों को प्रॉपरली पता नहीं था। अब जैसे यार एटम का जो थॉमसन का मॉडल था, अब वो थॉमसन का मॉडल सोचो और आज का एटॉमिक मॉडल देखो, ठीक है, कैसे कैसे मॉडिफाई होता गया। तो आई होप कि मेरी ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक इसी तरह से अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो हम अब ये कोशिश कर रहे हैं कि आए दिन हम जितना जानते हैं, देखिए हम एक एरोनॉटिकल इंजीनियर हैं, एरोस्पेस इंजीनियर हैं, और मेरा इंटरेस्ट एस्ट्रोनॉमी मतलब खगोल विज्ञान में बहुत ज़्यादा है, क्वांटम साइंस में बहुत ज़्यादा है। तो हम इनके जो पॉपुलर टॉपिक्स हैं जिनको हम समझते हैं,
और जिनको हम आए दिन स्टडी करते हैं और अपनी भाषा में पिरो के आपको बताएंगे। अब हम सोच रहे हैं कि अब इस तरह की वीडियोस बनाया जाए ताकि उन बच्चों को ये बात समझ में आए, उनका इंटरेस्ट बढ़े जिनको ये सोर्सेज हिंदी में सही तरह से नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है, तो थैंक यू। 4:30 बजे वीडियो बना रहे हैं तो लाइक तो बनता है।